please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर किस तरीके से फुल्ली बिल बुक डिज़ाइन क्रिएट करना सीखेंगे दोस्तों, एक्सेल के अंदर प्रिंटेबल। तो वीडियो पर बने रहिए अंत तक, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन करना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का वर्जन 2019 है दोस्तों। तो आपके पास जो भी वर्जन का एक्सेल है तो आप आसानी से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको पेज सेलेक्ट करना है, पेज लेआउट के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर क्लिक करने के बाद साइज आपको दाना है दोस्तों A5 साइज के ऊपर में आपको क्लिक करना है A5 साइज। और उसके बाद सिंपली आपको मार्जिन वगैरह नैरो वगैरह आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। अदरवाइज आपको यहाँ पर व्यू के अंदर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली पेज लेआउट फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। ध्यान देते दोस्तों, ये पेज लेआउट फॉर्मेट पर आपको डिजाइन करना है। पेज लेआउट फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर पेज आ चुका है। ये एक पेज है, यहाँ पर एक पेज है, आपको जहाँ पर डिजाइन करना है आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इस वाले पेज पर ही डिजाइन कर लेता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, कंट्रोल होल्ड करते हुए स्क्रॉल अप करते हुए। और उसके बाद आपको यहाँ पर मार्जिन सेट करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम या फिर पार्टिकुलर्स, उसके बाद आपको रेट, क्वांटिटी, आपको जो भी लिखना है आप इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली इसको थोड़ा सा छोटा करना है। मैं यहाँ पर सीरियल नंबर के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ, और इसके बाद इसको नेम ऑफ आइटम के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आप यहाँ से मार्जिन इसको एडजस्ट कर सकते हो, और इसको भी आपको यहाँ पर मार्जिन वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको इसको थोड़ा सा क्वांटिटी के लिए छोटा करना है, रेट के लिए आपको, पार्टिकुलर्स के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा करना है, और उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, और इस तरीके से आपको इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना है। तो आप इस तरीके से मैनेज कर लीजिए। तो सबसे आसान तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर मैनेज ही करना है दोस्तों, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से एडजस्ट करते हुए आपको यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैंने कंप्लीट यहाँ पर मैनेज कर चुका हूँ। अब आपको सिंपली जहाँ जहाँ पर जो जो कंपनीज के नेम है उसके लिए आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है, जहाँ पर आपको जहाँ जहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद होम के अंदर क्लिक करना है, आपको जाना है दोस्तों मर्ज एंड सेंटर के ऊपर में, आपको क्लिक करना है मर्ज एंड एक्रोस के ऊपर। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बीच बीच का लाइन यानी कि इंसर्ट लाइन यहाँ पर रिमूव हो चुका है। सिंपली आपको जो कंपनीज का नेम है आप यहाँ पर टाइप के लिए, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर देखिए मैंने AD कंप्यूटर रिपेयर सॉल्यूशन इस तरीके से टाइप किया है। आपको जो भी कंपनीज के नेम है उसी तरीके से टाइप कर लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करूँगा, मे बी 18 के आसपास। और आपको पास जो भी फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करना है आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एड्रेस टाइप करूँगा दोस्तों, आपके पास जो भी एड्रेस है थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेंटेन करना है तो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो, यानी कि टाइप करते हुए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑल कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयर्स एंड पार्ट्स कुछ इस तरीके से टाइप किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एड्रेस टाइप करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से एड्रेस भी टाइप किया है, आप इस एड्रेस को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। और उसके बाद आपको जो भी और फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए अप्लाई करूँगा फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर मैं फ़ोन। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर में कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर कैश बिल बनाने के लिए आपको यहाँ पर मर्ज एंड सेल्स करना है। और उसके बाद आपको जो भी हाइलाइटर कलर वगैरह आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कैश मीमो, कुछ इस तरीके से मैंने टाइप किया दोस्तों कैश बिल मीमो। इसको थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करूँगा फॉन्ट ताकि दिखने में अट्रैक्टिव लगे। इसको अंडरलाइन कर दूंगा और इसको फॉन्ट कलर चेंज करूँगा दोस्तों, वाइट कलर दे दूंगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए मेंटेन हो रहा है। अब आपको जो जो कलर पर जहाँ जहाँ पर जो जो कलर लगाना है आप लगा सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो। इसको थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करते हुए आपको अनबोल्ड भी इसको लगा सकते हो। इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइजमेंट वगैरह आपको करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको लेफ्ट ही इसको रखना है तो रख सकते हो। आपको जो डेट वगैरह है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करना है और आपको यहाँ पर डेट टाइप करना है। तो इस तरीके से मैंने डेट भी टाइप किया है। अब आपको जो भी सीरियल नंबर यानी कि आपको यहाँ पर जो भी बिल नंबर वगैरह है आपको वो अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर बिल नंबर आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, और उसके बाद आपको यहाँ से काम स्टार्ट करना है बिलिंग के लिए।
तो उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सीरियल नंबर, तो इस तरीके से मैंने सीरियल नंबर टाइप किया। आप इस तरीके से रेगुलर आपको यहाँ पर जो जो आइटम का नेम है आप इस तरीके से टाइप भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर मैं पार्टिकुलर टाइप करूँगा, पार्टिकुलर्स। अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा क्वांटिटी या फिर रेट, आपको जो भी है आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर अमाउंट इस तरीके से टाइप कर लीजिए। तो टाइप करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट बनकर तैयार हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करना चाहूँगा और इसको सेंट्रलाइजमेंट करना चाहूँगा। तो इतना होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, और आपको यहाँ पर आपको इस तरीके से प्लस का आइकन आ जाएगा दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ से इस तरीके से आपको ड्रैग करना है, आपको जितना ड्रैग करना है आप कर सकते हो आप, या फिर आपको यहाँ पर जो भी टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है आप टाइप कर सकते हो, ऑल्ट प्लस इंटरफेस करते हो, या फिर आपको इसके ऊपर क्लिक करते हो ऊपर, या फिर सभी को यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ क्लिक करते हो आपको यहाँ पर टाइप वगैरह कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं है। आपको थोड़ा सा मेंटेन करना, मैं इसका थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ पेज, और इस तरीके से और भी नीचे की तरफ इस तरीके से लेकर आऊँगा। तो लेने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख जाएगा, और उसके बाद आपको जो जो पर ज़्यादा पर काम करना है या फिर आपको इसके ऊपर में कुछ टाइप वगैरह करना है, तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करते हुए मर्ज एंड अक्रॉस करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है टोटल, और फिर आपको टाइप करना है टैक्स या फिर GST वगैरह, तो इसको यहाँ पर 12% GST लिख दूंगा, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा डिस्काउंट भी आप दे सकते हो, और उसके बाद आपको यहाँ पर शॉप टोटल इस तरीके से टाइप करना है। इस सभी को टाइप करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा इटैलिक करना है और डिज़ाइन खूबसूरत लगेगा। इसको आपको थोड़ा सा बड़ा वगैरह करना है तो इस टेबल को आपको इस तरीके से साइड कर दे, थोड़ा ही बड़ा कर लीजिए 12 के आसपास, या फिर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हो। और उसके बाद आपको ये दो सेल को सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर मर्जन सेंटर करना है, इसके ऊपर में क्लिक करना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है दोस्तों लेफ्ट अलाइजमेंट के ऊपर इस तरीके से, और आपको यहाँ पर टाइप करना है इन वर्ड्स। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर टाइप किया है, आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह है वो सब कुछ आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ रख दूंगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल और खूबसूरत लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करते मर्ज एंड सेंटर करना है, इसको भी सेंट्रलाइजमेंट, और इस तरीके से आपको यहाँ पर अंडरस्कोर टाइप करना है और इंटर बटन प्रेस करना है, और आपको यहाँ पर ऑल्ट प्लस इंटर बटन प्रेस करना है, सिग्नेचर टाइप करना है, इसके ऊपर में आपको थोड़ा सा बैकस्पेस करते हुए कम करना है, और इसको सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा बोल्ड वगैरह करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको यहाँ पर टाइप कर लीजिए, कंडीशंस, इस तरीके से आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए, और इसको भी मर्जन अक्रॉस, और यहाँ पर इसको भी मर्जन अक्रॉस, और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप इस तरीके से टाइप कर लीजिए। तो मैंने कुछ इस तरीके से टाइप किया है, इसको लेफ्ट की तरफ रखता हूँ, कॉपी करता हूँ और कंट्रोल भी करते पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन बनी आ चुका है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा मैनेज वगैरह करना है, कलर वगैरह मेंटेन करना है तो आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो, थोड़ा ही आपको इस तरीके से मेंटेन करना है। अब उसके बाद आपको सभी को इस तरीके से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है दोस्तों आउटसाइड बॉर्डर, या फिर आपको थिक आउटसाइड बॉर्डर भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो, इस तरीके से बॉर्डर भी लग चुका है। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा पर आपको बॉर्डर्स वगैरह लगाना है, या फिर आपको जो भी बॉर्डर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, आपको यहाँ पर इस तरीके से बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर बिल डिज़ाइन आ चुका है, आपको जो भी लोगो वगैरह है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो मर्जन सेल्स करते हुए, और उसके बाद आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हुए पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करते हुए आपको जो लोगो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हुए छोटा करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ चुका है, छोटा करूँगा और कम करूँगा, और यहाँ पर मैं इसको लोगो सेट कर दूँगा, तो दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगता है। इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के ऊपर में प्रिंट टेबल ये बिल डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। आपको फाइल पर जाना है, प्रिंट के ऊपर में क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिए सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कलर ऑप्शन का, पेज सेटअप के ऊपर में जाकर आपको कलर ऑप्शन आपको सेट करना है,
तो यहाँ पर आपको कलर ऑप्शन दिख जाएगा प्रिंटर प्रॉपर्टीज के ऊपर में कलर ऑप्शन, और इस तरीके से, और फिर से प्रिंट के ऊपर में क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा दोस्तों। आप इस तरीके से आसानी से प्रिंटेबल ये बिल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के ऊपर में। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।